पैरालिसिस, राइट। ये आज का प्रमुख विषय। मैं एक एग्जांपल लूँगा, अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन पहले का एक लड़का आता है जो 22-23 साल का लड़का आया, और उसका जब मैं पूरा डायग्नोज करने एनालिसिस करने लगा, डायग्नोसिस के प्रोसेस में पता चला कि वो 5.5 घंटा एक्सरसाइज करता है, जिम में बिताता है, 5.5 घंटा बिताता है। हमने कहा क्या कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हो, कहीं आगे जाना है कुछ वर्ल्ड लेवल पर? कहे नहीं, वर्ल्ड लेवल पर जाने की क्या जरूरत है, लेकिन हमको अच्छा लगता है मसल्स को ट्रेन करना, मसल्स को स्ट्रेस देना अच्छा लगता है। प्रॉब्लम उसको थी फेसियल मसल्स, हाफ फेस पैरालाइज, हाफ फेस गया, हालांकि बच गया, 48 घंटे के अंदर ही डॉक्टर के पास चले गए और उनको बचा लिया। ऐसे बहुत सारे केस आए, लेकिन मैं एक का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, हमने कहा भाई खाते क्या हो, जब भाई 5.5 घंटे आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो खाते क्या हो? तो कहते हैं 150 से 200 बादाम खाते हैं। मुझे अपनी याद आ गई, चूँकि मैं भी 70 से 80 बादाम खाया करता था पर डे, 80 बादाम, और मेरा ट्राइग्लिसराइड 480 था डेढ़ महीने के बाद, और डॉक्टर साहब से मैंने बताया नहीं, आपके डॉक्टर साहब से बताया नहीं, नहीं तो डॉक्टर साहब तो हमको बता देते, लीवर और गायब हो गया। और उसको डॉक्टर, जिनको डॉक्टर को दिखाया था मैंने, उनको कहा कि मैं इसको ठीक कर लूँगा, वो भी सोचेंगे कहाँ से पागल आदमी मिल गया, मैंने दवा नहीं लिया, डेढ़ महीने में ठीक हो गया, अभी 2 दिन पहले रिजल्ट निकाला, 148 आया, वो एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान हुआ था। मुझे अपनी याद आ गई कि लगता है यार ये मेरी ही तरह पागल आदमी है। अब भाई 150 से 200 बादाम आप खा रहे हो 5.5 घंटा। हमने कहा बेटा ब्लड प्रेशर कैसे है? तो कहीं कहीं मेरा गड़बड़ी होती है मेरी एनालिसिस में। हमने कहा ये आदमी इतना एंग्जियस है, ब्लड प्रेशर लो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ब्लड प्रेशर लो है, लो तो हमारी टेंडेंसी है, लेकिन जब वो पैरालिसिस का दौर चल रहा था स्ट्रेस का, उस समय हाई हो गया था। अब हमको लगा यार कर क्या रहा है, तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि रीज़न क्या है क्या नहीं है क्या। हमने कहा डॉक्टर ने कहा कि कोई रीज़न नहीं, ये हो जाता है लोगों। अब एनालिसिस फेल हो रही है मेरी कि क्यों हुआ, कैसे ठीक करें। मैंने कहा एक एक्सरसाइज करके दिखाओ, बस 5.5 घंटे करने वाला आदमी, तो हमने कहा कोई भी एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो मुझे करके दिखाओ, कर रहे हैं। आप विश्वास मानो इतनी स्टूपिडिटी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है मसल्स की, पैर की, हाथ की, उससे ज़्यादा फेशियल मसल्स खींच रहा है, इतना तनाव कि जैसे कोई, हमने कहा एवरेस्ट पर्वत पे चढ़ रहे हो, क्यों फेस की मसल्स क्या करना चाह रहे हो? तो उनका फेस की मसल्स कहाँ खींच रहे हैं? उस बच्चे को फेशियल मसल्स के स्ट्रेस को भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि उसका फोकस इतना ज़्यादा यहाँ पर हो गया है ट्रेनिंग पर कि उसको ये नहीं पता कि वो ये खींच रहा है। और ये खींच क्यों रहा है? क्योंकि ब्रेन की मसल्स में ओवर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जब ओवर स्ट्रेस प्रोड्यूस करोगे तो फेस पे दिखेगा। अब आपका लेवल इतना बढ़ा कि आपका ये डैमेज हो। मैंने कहा रीज़न यही है? उन्होंने कहा नहीं सर, ये रीज़न नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, वो रीज़न है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। हमने कहा छोड़ के भाग गई तो क्या हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं, वो एक गर्लफ्रेंड थी, फिर दूसरी गर्लफ्रेंड आई, या हमने कहा तीसरी, कहने दूसरी से ही ये पैरालिसिस हो गया। हमने कहा तीसरी से कुछ और ना हो जाए। अब हमने केवल एक टेक्निक बताई बेटा, हमने कहा ये जो 5.5 घंटा व्यतीत करते हो इसे बंद कर दो। उनका रात में भी मसल्स फड़कने लगती है मेरी। हमने कहा वो कैसे? वो कह रहा है बच्चा कि जो 5.5 घंटा हम किए रहते हैं रात में, वो फड़कती हैं, डिमांड करती हैं एक्सरसाइज करने की और एक्सरसाइज करने की। आप सोचो 5.5 घंटा बच्चा व्यतीत कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, और रात में भी वो डिमांड कर रही हैं। अब उसकी आदत पड़ गई, अब उसकी मेमोरी में फीड हो गया, उसकी मेमोरी में ये नेचुरली फीड हो गया कि स्ट्रेस ही हमारा नेचर, ऑल द टाइम उसे फड़काते रहो, बनाते रहो, और वही गोलेबाजी, चारों तरफ गोला बनाओ। अब हमने उसको एक्सरसाइज दिया, केवल 4 एक्सरसाइज और कुछ नहीं किया। हमने कहा बेटा तुम ऐसा करो कि एक पैर को उठाओ और होल्ड कर लो 30 डिग्री पर, सीधा लेटो, एक पैर को 30 डिग्री पर होल्ड करो। 30 डिग्री पर होल्ड कर लिया। उनका कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं सर। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम होल्ड करो तो बताते। तो हमने कहा 2 मिनट होल्ड करो। अब वो 2 मिनट होल्ड किया, हम तो जानते थे ना कि इसमें अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, अभी ये बच्चा ही है। अब वो 30 डिग्री पे हमने कहा होल्ड कर लो, और इस डिग्री से हिलाना मत इस पैर को। अब चेहरे पे तनाव, हमने कहा चेहरा ढीला करो और हिलाना मत। अब वो पैर हिल रहा है ऐसे ऐसे, अब वो पैर नाच रहा है, पैर जैसे नहीं, पैर कांपता है जैसे पेड़ की डाल है,
हवा पे ऐसे नाचने लगती है ना, अब वो नाचना लगे। हमने हमने कहा क्या कर रहे हो, तो कहा पता नहीं क्यों कांप रहा है पैर। हमने कहा 5.5 घंटा करते हो, 2 मिनट नहीं होल्ड कर पा रहे हो, अब वो नाच रहा है पैर, खूब नचा रहे हैं उसको। और फेस, चूंकि माइंड को फेस पर हम उठा ले गए रिलैक्सेशन पर, राइट। हमने कहा बेटा देखो लेग पे मत ले जाना, उसको छोड़ दो, भूल जाओ तुम। कहें भूल जाएंगे तो नीचे लटक आएगा, गिर जाएगा। हमने कहा नहीं नहीं वो गिरेगा नहीं, तुम लटकाए रखो। अब वो लटकाया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट में इतना एक्सट्रीम पेन हुआ, झेल नहीं पाया उसने। आप सोचो 5.5 घंटा तुम मसल्स को पंप कर रहे हो, उसको झेल लेते हो, यहाँ होल्डिंग नहीं, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस किया है आपने, स्टेमिना नहीं किया। आप विश्वास मानो उसको उसी समय ये रियलाइज हो गया है कि सारा का सारा खेल स्ट्रेस का है, जो ब्रेन पर एक्सेस स्ट्रेस दिया जा रहा है। उस 1 घंटे के एक्सपेरिमेंट में जो जो मैंने उसको बताया, उसको ये रियलाइज हो गया कि मेरी प्रॉब्लम यहाँ की है, जो मैं एक्सरसाइज, जो मैं सिचुएशन में इसको खींच करके बैठ जाता हूँ, इससे मेरा पैरालिसिस बढ़ रहा, ये जो हाफ ब्रेन एक्सेस ओवर एक्टिव हो गया और वो चला गया। और उसी दौरान जब उसकी पल्स रेट देखी गई तो डाउन मिली। इवन कि अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, आप मेरी पल्स रेट करोगे तो 70 के बिलो जाएगी, 68-60s में जाएगी। लेकिन अगर मैं रिलैक्स्ड यहाँ से नहीं हूँ और 3 घंटे कन्वर्सेशन करूँ तो ये 90 अबव जानी चाहिए, नॉर्मल लोगों की 100 के ऊपर चली जाती। जितने भी प्रीचर, जितने भी बकबकिया लोग होते हैं, इनकी 100 के ऊपर घूमती है। और ये 10 साल तक बकबकाते हैं, उसके बाद जितने ऑर्गन है डैमेज हो जाते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। जितने भी अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे उनकी एनर्जी लेवल बढ़ती है। 80 में चले जाएंगे, वो 10 घंटे उनसे बतियाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टेमिना प्रोड्यूस हो गया है, स्टेमिना डेवलप कर लिया है, उन्होंने टेक्निक जान लिया है ऑटोमेटिकली। पर ये जो बकबकी लोग हैं, इनको पता नहीं, ये बकबकाने की प्रैक्टिस की है ना, ये बकबका करके इसको डैमेज कर चुके हैं। हम कोऑर्डिनेट करते हैं उतने ही लेवल पर, एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे जितने में ये अफेक्टेड ना हो, क्योंकि वो ट्रेनिंग है ना बेटा, ट्रेनिंग में तो मुश्किल होती है ना। तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली मेच्योर होते जाते हो, और वो एक एज के बाद ही होगा, ऐसे तो है नहीं कि 2 दिन में मेच्योरिटी आ जाएगी और 2 साल में आ जाएगी, 200 साल लग जाते हैं, ऐसे नहीं। और ये 200 साल आपको ज़्यादा नहीं लगेंगे, आपको लगेगा कि बस हो गया, तो लग जाते हैं। तो धीरे धीरे 60s के बाद जैसे ही जाता है आदमी स्पिरिचुअल मास्टर, सारा ग्लो आ जाता है। 50s के बाद तो 100% आ जाता है। मेरे एक कोई गुरु मिले, मुझे देखे तो उन्होंने कहा क्या प्रैक्टिस चल रही है, हमने कहा प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, बस कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो, तो हमने कहा चाहता होता कुछ नहीं हूँ, ध्यान उन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फैमिली को सर्वाइव नहीं करा पा रहा है। तो उन्होंने कहा फाइनेंशियली तो डाउन ही रहोगे तुम। तो हमने कहा वही तो समस्या है, क्योंकि एक आदमी प्रैक्टिस कर चुका है, दिन भर अपने एक्सपेरिमेंट में जुटा रहता है, और जब फाइनेंस की अर्निंग की बात होती है तो हमें लगता है कि मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, अपने एक्सपेरिमेंट में आना चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा। तो उनका जैसे ही 50 होगा ना, सब आ जाएगा। और जैसे ही 48 के बाद क्रॉस किया, क्या चेंज आया, अब वो आदमी 80 साल का स्पिरिचुअल टीचर बता के चला गया। तो बाद में हमने कोई कॉज नहीं पूछा, बाद में एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हम तो एनालिसिस कर, एक आप लोग एक वर्ड भी बोलते हो तो उसकी एनालिसिस होती है, मेरी एक लाइन की भी एनालिसिस करता हूँ कि ये क्यों बोला गया, इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या था, ये अननोइंगली बोल दिया पर क्यों बोला। जब आदमी एक लेवल की प्रैक्टिस, एक एज में प्रैक्टिस आ जाती है, तो उसके सिस्टम में फीड हो जाता है अननोइंगली। 50s आते आते उसमें वो सारे ग्लो दिखने लग, सारे फल फ्रूट्स दिखने लगते हैं उस पेड़ में, पहले नहीं दिखते, सारे फ्रूट्स दिखने लगते हैं, फिर वो किसी भी तरह से उसको यूटिलाइज करने लगते। हाँ, इंटेंशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, दैट्स। लेकिन अगर आपको 18 साल में सक्सेस मिल गई, 22 साल में मिल गई, लकली वो फ्रूट्स नहीं देखे, क्योंकि वो मेच्योरिटी के नहीं, वो फ्रूट्स वैसे ही फ्रूट है जैसे पपीता में लगते हैं बेटा, वो आम वाला वृक्ष नहीं। आम वाले वृक्ष में 10 साल लग जाते हैं आम को बढ़ते बढ़ते, उसके बाद फ्रूट्स दिखते हैं। पपीता में तो 6 महीने में बड़ा हो जाएगा, वो दिख जाएगा, वो फिर चला जाएगा। तो इसीलिए जितने अच्छे मास्टर होते हैं वो 50 के बाद उनका ग्लो दिखता है पूरा यूनिवर्स में, और जितने भी बकबकिया हैं ये 50s के बाद सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं, फिर दवा खा खा करके और किसी तरह सर्वाइव। तो फेशियल मसल्स पैरालिसिस में मैक्सिमम जो स्ट्रेसफुल ब्रेन पर और फेस पर और सेंसेस पर स्ट्रेस देते हैं उनको ही होता है। अगर हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम फेस की मसल्स को रिलैक्स करने में कामयाब हो गए,
सेंसेस की मसल्स कामयाब हो गए तो फेशियल मसल्स कंट्रोल हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, और यहाँ तक कि होगा भी नहीं। एक और बात, जो आदमी 5.5 घंटा एक्सरसाइज करता है, 5.5 घंटे में भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि उसके तरीके में गड़बड़ी है। इसका मतलब कि नेचर ये कह रहा है कि स्ट्रेस से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, स्ट्रेस नेचर नहीं है आप। ये आपको नेचर बता रहा है कि स्ट्रेस आपका नेचर नहीं है। 5.5 घंटा स्ट्रेस देने के बावजूद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, आप रोग पाल रहे हो। आप इतना स्ट्रेस दो, 1 मिनट स्ट्रेस दो, जो 2 मिनट डलवाया था उसको स्ट्रेस, उस स्ट्रेस में जो रिलैक्सेशन मिल जाएगा और स्ट्रेस को रिलीज करोगे तो रिलैक्सेशन जो मिलेगा, क्या गजब का रिलैक्सेशन। हमने कहा अगर आप बेटा 10 मिनट जो मैंने प्रोग्राम बताया है इसको ही कर लोगे तो आप उससे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगी। आप जो स्ट्रेस को रिलैक्सेशन के रूप में आप ले रहे हो, एक्चुअली वो रिलैक्सेशन नहीं है। आप अपने आप को भरमाओ मत, स्ट्रेस रिलैक्सेशन नहीं होता, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन होता है। स्ट्रेस को क्यों रिलैक्सेशन बना रहे हो, अलग से डेफिनेशन मत दो आप। ये तो चलने में भी दौड़ने में भी, दौड़ने में रिलैक्सेशन का कम है, वॉक करने में रिलैक्सेशन का पार्ट ज़्यादा है। रिलैक्सेशन का पार्ट ज़्यादा होता है इसीलिए वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो रिलैक्सेशन का पार्ट ज़्यादा होता जाएगा तो आपका ब्रेन सटल होता जाएगा। आइस के साथ, हाँ, जो आदमी ज़्यादा पलकें झुकाता है, नॉर्मली जितने भी साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट होते हैं कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कम है, कहते हैं कि 12-15 बार से ज़्यादा, 6 बार से ज़्यादा नहीं झुकनी चाहिए। ठीक कहते हैं, लेकिन कैसे ना झुकाओ अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कैसे ऐसे घूरते रहो, ऐसे घूरते तो रहोगे नहीं किसी को। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में मेडिटेशन करते थे तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसे किसी को देखते रहो, गुरु को, गुरु के चित्र को देखते रहो, घूरते रहो। अब किसी लड़की को देख रहे हो ऐसे घूर रहे हो तो उल्टा पड़ जाएगा ना, मारपिटाई हो जाएगी। अब उसके बिंदी को, तो हम तो उसके बिंदी को देख रहे हैं, चक्र जागृत कर रहे हैं अपना। गुरु ने बताया था कि तुम जब भी किसी को देखो तो इसको देखो स्टार्टिंग में। जो थोड़ा सा अधकचरे गुरु होते हैं वो ऐसे ऐसे फालतू के टेक्निक देते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि जब भी तुम किसी को देखो, स्त्री पुरुष को, बस उसके माथे को देखते रहो। अब हम जहाँ देख जाएं, अब माथे को तो देखना ही है, बिंदी मिल गई, लाल बिंदी मिल गई, काली बिंदी मिल गई, अब देखते रहो। अब पता चला किसी को ऐसे घूरोगे और आँख में आँख लड़ गई तो पता चला एक मुसीबत और एक रिएक्शंस हो जाएंगे, तो उसमें मेडिटेशन के बजाय कुछ और होने लगेगा। तो अननेसेसरी साधना करने की जो हम लोगों की टेंडेंसी है, बेवकूफ़ी है, इनएक्सपीरियंस्ड। ऐसे ऐसे गुरु लोग सलाह देते हैं तो ये बेवकूफाना हरकत है। बेसिकली फेशियल पैरालिसिस की बात हो रही थी, उसमें ये जो टेक्निक है ये यूज होती है। अगर इसको कर लेंगे तो नहीं हो सकता, और जो फेशियल पैरालिसिस है भी वो भी ठीक हो जाएगा।